ये लो भाई, सलाम करो सबको भाई। अस्सलाम वालेकुम। जोर से करो, जोर से। अस्सलाम वालेकुम। जलसा सुन रही थी क्या आप? जोशीले हुए भी हैं। कारकुन जोशीले हुए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करते हैं सब साफ। उम्मीद करते हैं सब साथ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाइयों माजरत के स्ट्रीम थोड़ी सी देर में शुरू की, वो असल में खान साहब ने हमारा टाइम ले लिया। पता नहीं खान साहब को किसने बताया कि इस टाइम पे शो करोगे तो ऑडियंस मिलेगी। उन्होंने भी इस टाइम पे शुरू कर दिया अपनी अपना जलसा, अपनी स्ट्रीमिंग है। घबरा गया मेरी प्रेजेंस से। क्यों? ये हर रोज सही आता है, साथ हेरियस में रहूंगे। ये भी हो सकता है, आज हिल गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खान साहब, ये अच्छी बात नहीं, ये मेरा टाइम है। ये यूट्यूब पे हमने अपना टाइम ये लिया हुआ, ये मेरा टाइम ले गया खान साहब, सारा ले गया ट्रैफिक। वेल, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इमरान खान की वो स्पीच आ रही है, जलसा हो रहा है लाहौर में, तो और चूंकि उनके ऊपर पाबंदी है तो वो टीवी पे तो आई थिंक नहीं दिख रहे, तो सोशल मीडिया पे। होपफुली शो पूरा चला जाए। मुझे लग रहा है खान साहब भी सुन रहे हमारा शो। रियली? साइड पे उन्होंने छोटा सा फोन रखा होगा। वेल, चलें, वो अलग बात है। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं। आप कैसी हैं सना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मैं जबरदस्त। आप कैसा जा रहा है आपका ये ऐसे? ये सवाल ही मुझे बुरा लगता है। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि जिम कैसे जा रहा है, अबे जिम चलता है क्या जो जाएगा? तो रोजा है, कोई चलता है क्या? हाँ। रोजा कैसे जा रहा है? रोजा कैसे गुजर रहा है होना चाहिए। गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है आपका रोजा? रोजा बड़ा अच्छा गुजर रहा है। अभी तो मौसम अच्छा है तो पता भी नहीं चल रहा रोजों का। अच्छा, और अभी तक वो वाला मोमेंट भी नहीं आया कि वो एक रोजा छुटे तो तीन चार छुटे। ओ, ये बात ऑनर थोड़ी बतानी थी। ऑनर तो हम सबसे अच्छे इंसान है हम दुनिया के। हमने कभी कोई रोजे नहीं छोड़े, हम तो सारे रोजे रखते हैं। खैर, रमजान मुबारक। थैंक्स। लोगों को भी बोलो, लोगों को भी बोलो रमजान मुबारक एवरीवन। ये आपका क्यू था सर में लगभग? ओह सॉरी। बहुत बहुत रमजान मुबारक। आई होप आप लोग के रोजे अच्छे जा रहे होंगे। और बताएं क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। लोगों से बातें करें ना जरा, आज आप होस्ट करें थोड़ा सा। क्या होस्ट करूं? करो जरा कैमरे में देख के बातें करो। क्या? Stop putting me on spot. नहीं, सो के ना बात करो। मुझे नहीं आती, आपका काम ही आप करें, मैं सिर्फ आपका साथ देने आई हूं। नहीं, हमें नहीं साथ चाहिए, मैं आपको साथ दूंगी। होस्टिंग मैं ठीक हूं, मैं दूंगी। मैं दूंगी साथ। मुझे साथ देना है। अच्छा, तो क्या बोलूं, आज बेगम बरा में बैठी ना, ज्यादा बातें करने का वो भी नहीं हो रहा, हिम्मत ही नहीं हो रही, डर के मारे। लोग कहते हैं, डर गए, घबरा गए। लोग कहते हैं कि मर्द हजरात जो है ना वो बड़े अपने होल्ड रखते हैं बीवी पे, हमारी हालत देखें। अच्छा, मैं जिम जा रहा हूँ बेगम, जरा जिम के बारे में तो बात करो प्लीज यार। नहीं नहीं, इट्स वर्किंग फॉर यू, अल्हम्दुलिल्लाह। या इट इज यार, आज तो मेरी ये टांगे वांगे सब टूट गई हैं बेगम। वादा करो सबके सामने कि तुम स्ट्रीम के बाद मेरी टांगे तो बोओगी प्लीज। एक बात ना आपको बताऊं, हर रोज आपको कुछ ना कुछ टूटा हुआ होता है। जवाब में भेज दोगे तो ऐसे ही होगा ना। कभी अभी दो दिन तक कंधे टूटे हुए थे, अभी भी टूटा हुआ वाला, कभी भी दर्द कर रहा। आ सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा। सो मिनहाज इज अ ब्रोकन मैन। नाइल को भी ले आते तो वो मैं किसी से बात करूँ रात के 3 बजे, तो वो बात करते करते बंदा जो ऑनर कॉलर था वो कहता है मिनाज भी हाजिरी हो गई। मेरी तो रूह निकल गई ना, मैंने कहा ये आज आ गया कोई। उसे कहा कि ए झूठे मेरे वाकयात बताते हो तुम मिनाज लिए ऐसे। अच्छा, मैं सही बताऊं, मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं कोई पीछे ना आ जाए, मुझे सीरियसली लगता है। अच्छा, बस अब ये बातें ना, ये लिसन, आई एम द सिली लिसनर ना, आई एम सिली लिसनर, या मीनिंग मुझे डर लगता है, सो यू नो। अच्छा, वैसे आई एम नॉट लाइक यू सना, यू आर सो वेरी ब्यूटीफुल। अब्दुल्ला राव कह रहे हैं। थैंक यू अब्दुल्ला। शर्म नहीं आ रही अब्दुल्ला राव, बराबर में मियां बैठा हुआ है। मियां के सामने बेगम की तारीफ कर रहे हैं, मारूंगा। मैं हम मियां हैं, पहले आएंगे हम बाहर में गए मिनाज लिए इसके लिए। तो या फॉर रियल यू नो, मुझे कभी-कभी वाकई डर लगता है। अच्छा चलो, एक तुमसे सवाल है, एक तुमसे सवाल है। हां, तुम्हें इस घर में लगता है या उस वाले घर में लगता था या उस वाले घर में लगता था? इस घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं लगता, ठीक है। लेकिन हाँ, व्हाइल यू आर डूइंग द शो एंड इफ आई एम लिसनिंग इन द अदर रूम, तो मुझे कभी कभी लगता है, और मैं सबसे ज्यादा की पेंटिंग देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है वहाँ शैडो बनेगा कोई। हाँ, ये पीछे वाली। हाँ, वो हिल भी रही होती है। नहीं, हाँ अभी भी हिल रही है, वो लाइट है ना, इसलिए हिलती है हवा की वजह से।
यू हैव एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग सो प्लीज मैं क्या बोल दूंगी मुझे ना आगे ला देता है लो टीआरपी के लिए मैं गाय वो जिसने वो भेजी थी सिल्वेट वाली कि वो बच्चे की रोने की आवाज आ रही है कोई धड़ 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 कर रहा है अच्छा मैं बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लिया था कि हाँ ये एक्चुअल में हो रहा होगा एंड देन यू ब्रोक दैट यू नो यू जस्ट ब्रोक दैट कि यहां पे कट लगा हुआ है यहां पे ये हुआ है यहां पे वो आई वाज लाइक डूड यार देखो एक नहीं एक तरीका है कि मैं झूठ झूठ देखूं और उसको मान लूं और लोगों में भी फैला दूं कि हाँ ये जिन है असल हाँ. एक तरीका है कि उसका सच बताए ना बंदा सच बोले ना यार अच्छा टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं पकड़ सकती ये चीजें तुम भी पकड़ना चाहो बड़ा आसान है हर कोई पकड़ सकता है अगर आप बड़ा गौर से देखें ना नो बट इट टुक मी अ व्हाइल नहीं यूजुअली लोग मैं आपको बताता हूँ इसका जो मेरी इनसाइट है ना हाँ. लोग यूजुअली देखते हैं कि यार ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही हाँ. वो इस तरह देखते हैं वो सारा फोकस ही उनका जिन के ऊपर होता है वो बच्चे पे होता है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे होता है अगर आप उससे अपना जरा पर्सपेक्टिव चेंज करके देखें अच्छा इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है कैमरा कहाँ से आ रहा है कैमरा ऑन कहाँ से हुआ ये उधर से क्यों आ रहा है इधर से क्यों आ रहा है बीच में कट आ रहा है कि नहीं आ रहा बीच में ब्लैक स्पॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आपको आसानी से पकड़ लेंगे बट ऑनेस्टली आई थिंक यू ब्रोक समबडीज यू नो हार्ट बाय डूइंग दैट मैं कौन सा कोई मेरे कोई अरबों लिसनर्स हैं और कोई करोड़ों मेरे व्यूज होते हैं जो उसकी किसी ने मेहनत की थी वीडियो पे मैं सही है फिर आप ये बोल देने कि ये मेरा फिक्शनल काम है इसको इस तरीके से पोर्ट्रे करें ये नहीं बोले ना कि रियल लाइफ जिन बात सामने आ गया गलत है अच्छा तुम्हें ये लगता है वैसे क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली कुछ एक डेढ़ महीने पहले मुझे इस खिड़की से बड़ी बहुत ही परेशान अच्छा डोंट डू दैट टू मी नहीं नहीं मैं सही बता यू नो आई फ्रीक आउट होने की जरूरत नहीं है ना हर जगह ही होते हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे कभी कभी इससे अब हुआ ये एक दिन के मैं शो कर रहा था और मुझे यहाँ पे ना मूवमेंट नजर आई पहले तो मैंने ये सोचा कि यार शीशा है शीशे के सामने मेरा हाथ आ रहा है तो इसकी मूवमेंट है लेकिन वो भी नहीं था तो फिर आई थिंक पर्दा बंद कर देती हूँ पर्दा तो नहीं बंद करते लेकिन वो मोस्ट प्रोबेबली जिंजर होगा लेकिन जिंजर को इतना जिन का बच्चा थोड़ी है वो यहाँ जिंजर जिन का बच्चा नहीं लेकिन जिंजर बहुत का बच्चा है वो इधर से उधर से कूदता काता आता है ऐसी हरकतें कर रहा होता है अब कोई बहुत हरकतें कर रहा होता है वो उसका यहाँ पे वो लिटर बॉक्स रखा हुआ है ना तो वहां से वो कूदता काता आता है खैर सॉरी हम अपनी आपस में बातों में लग गए घरेलू कॉन्वर्सेशन हियर लेकिन एक दिन फ्रेंकली स्पीकिंग एक दिन मुझे बहुत डर लगा था अक्सर लोग समझते हैं कि मिनहार भाई को डर नहीं लगता मिनहार भाई बुलेट प्रूफ चल रहा है मतलब मुझे वैसे कोई डर नहीं लगता गलत बात है ये बोल देना कि नहीं लगता बिल्कुल हमको डर प्रूफ बैठे में नहीं लगता है डर लेकिन एक दफा मुझे लगा था और मुझे इतना लगा था कि मैं फौरन चला गया था क्या मुझे क्रेजी थी नहीं और लेकिन भाभी हंस रही थी मैं डर गया हम भी डर जाते हैं जब भाभी ज्यादा हंसती हैं खौफ आना शुरू हो जाता है कि जिस दिन ये हंसी रुकेगी तो उस दिन क्या कहर आएगा दैट्स सो रूड No, I'm not being rude, I'm being true to myself. It's okay, it's okay. But hey, social media की interesting बात क्या है? लोग हजारों अच्छे comments करते हैं, आप उनको नहीं पढ़ते। एक बुरा comment आता है ना, आपकी नजर उस पे चली जाती है। हाँ, but that's fine. I mean, they give you so much love. अगर थोड़ी सी आ रही है criticism, doesn't matter. हाँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। Social media का तभी तो मैंने कहा कि social media की एक ये। अभी मतलब अगर सारी चीजें थी सीरियसली लेके बैठ गया तो हाँ हाँ। It would be hard to you know even less. उस दिन पता है हमारे शो में किसी ने आके गाली गलौज कर दी ना। Really? हाँ। तो बच्चा तो बच्चा था young boy जो वो नहीं है जो होता है कि हम चुप हो गया फिर उसका हमने एडिट पे ही उसकी कॉल भी काट दी तो उस बेचारी की तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऐसे लोग शक्ल समीत थोड़े आते हैं सामने 480 लोग मैं बता रहा था मैं सना से असल में मेरी और सना की एक बहस चल रही थी
कि शो सना कहती थी कि मैं शो शुरू कर दें और मैं कह रहा था कि नहीं अभी खान साहब का जलसा ख़त्म हो जाए क्योंकि सारा ट्रैफिक उधर चला गया। तो मैं सही था। It's all right. भाई मैं इस तरह देखता हूँ ना कि मैं कैसे समझाऊँ। मत समझाएं। अच्छा छोड़ो सर। चलें जी प्रोग्राम का आगाज करें भाइयों। आप दोनों के पीछे कौन है? हमारे पीछे पेंटिंग है। हाँ पेंटिंग है। अच्छा अब ये वाले जो खत्म नहीं हो ये कब खत्म होंगे ये वाले? Somebody is getting happy. अच्छा चल आज आप लोग बच रहे हैं पता है बेगम आई हुई ना तभी वरना आपको पता है कि क्या जवाब आ गया। कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? मैं अच्छी हूं मैं। सॉरी ये सना से ना मैं वैसे फ्रेंकली स्पीकिंग स्ट्रीम पे ही बात ज्यादा कर लेता हूं स्ट्रीम पे ही हंसी मजाक हो जाती है वरना सना पूरे दिन हंसती वस्ती तो है नहीं। क्या मतलब है? गुस्से में बैठी रहती है। नहीं सही बात। फिर गुस्सा। अच्छा ठीक है बस। आज एक और भी हमारे साथ सानिया हुआ है और वो सानिया है कि अफ्तार में पकोड़े नहीं बने। तो खुद ही ने कहा था मैं वर्कआउट कर रहा हूँ ये हो जाता है। डेडिकेशन की मैं असल में तुम्हें क्यों दिया है आपको ये बोलना चाहिए कि देखिए मैं आज कितने डेडिकेटेड। अच्छा मुझे कल कहा था कि सना पकोड़े नहीं बनेंगे ठीक है। आज मिनाज जा रहे थे कहाँ जा रहे थे वॉक पे जा रहे थे नाइल के साथ तो मैंने कहा मिनाज मैंने पकौड़े यार दो तीन तो बना लेती। क्या मतलब है भाई खुद ही ने कहा था नहीं बनाना। क्या पकौड़े और वो भी आलू के पकौड़े कैसे कोई छोड़ मैंने आज जिस तरह छोड़ा है ना मुझे मेरे दिल को कल तो मैं बनाऊंगी। नहीं 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 मैं बनाऊंगी। बेगम एक काम दे एक प्लान है प्लान ये है क्योंकि तुम भी मोटी हो रही हो और मैं कहीं से मोटी नहीं हूं यानी मोटी हो रही हो तुम तो हमें जो ना प्लान करना पड़ेगा जो पकौड़े अब बनेंगे ना वो सैटरडे और संडे बनेंगे। हाँ हाँ तुम हो रही हो आई नहीं देखो देखो गेन किया हुआ कितना वेट तुमने तुम्हें भी जिम जाना चाहिए एक्चुअली। यहाँ आप सिटी बच जाती है। हाँ मैं नहीं कर सकती है जिम के लेकिन सैटरडे संडे पकोड़े बनेंगे तो बाकी सारे दिन सैटरडे टुमारो संडे पे बना है पकोड़ा टुमारो। कल तो जिम भी नहीं है नहीं करो ऐसा। अरे चलिए ना चलें प्रोग्राम का। हाँ गाइज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हमारी तो बातें चलती रहती हैं फिजूल में जो है ना आप लोग कह रहे हो कि हम क्या करें दोनों की बातों में। हाँ, पकोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे अपनी घरेलू बातें जाके घर में करो ना इस तरह बोल रहा हूँ। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन उम्मीद करते हैं कि सब साथ खैरियत से प्रोग्राम सुन रहे होंगे और ठीक ठाक होंगे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे और जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे उनकी मगफरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। ये जो मैं बोलता हूँ ये ऐसा तो नहीं लगता कोई अंकल आके बैठ गए चाचू No. स्ट्रीम पे और आगे वो दुआ वो कर रहे हैं। अच्छा है ना मगफरत की दुआ मतलब ब्राउनी पॉइंट्स है ना ये जरा लोगों में हमदर्दी आती है यानी समझा करो ये जरा चीजें करनी पड़ती हैं। लोग जरा फिर कहेंगे कितना अच्छा इंसान है कितने अच्छे इंसान है ये सब करना पड़ता है ये सब करना पड़ता है ना आपको सना आपको मालूम नहीं। हाँ खैर जितने भी लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं आप लोग हमारी स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आज आप लोग सना अस्करी से बात करना चाहते हैं बाय द वे आई एम सो सॉरी मैंने सना का इंट्रोडक्शन नहीं दिया सना अस्करी मेरी बेगम बाद में लेकिन उससे पहले सना अस्करी जो है ना वो पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री की बहुत बड़ी सुपरस्टार है। बस मैं और सना एक दूसरे को सुपरस्टार नहीं समझते। सना तो खैर सही समझती है कि मैं सुपरस्टार नहीं लेकिन मैं भी कुछ इसी तरीके से चलता हूँ। लेकिन सना जो है अब आप मुबारक हो वैसे क्यों ड्रामा हिट हुआ हुआ है आपका बहुत ज्यादा मैंने सुना है टिंके का सहारा टिंके का टिंके का ऐसे कहती हूँ टिंके का सहारा तो ये टिंके का सहारा जो हिट हुआ हुआ है ये ड्रामा है किसका मीनिंग हू इज द डायरेक्टर ओके डायरेक्टर है जिशान मैं भूल गई थी डायरेक्टर जिशान और ये मोबाइल प्रोडक्शन का है हम टीवी पे चल रहा है so अब तो या बट अब एंड पे और उसमें कास्ट क्या है देयर सोनिया हुसैन वेरी गुड एक्ट्रेस एंड देयर इज समी देयर वाज हारून शाहिद एंड ही डिड अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर हारून वाज सो क्यूट हारून पीटिया या
I like him. He's a nice guy. Very nice guy. Hmm? The Sami bhi bahut acche hain. They're all very nice Sami people. Hai, very nice. You've worked with Sami. Oh, yeah, yeah. And then Naveed Raza, wo bhi bade acche hamare dost hain, so, you know. Naveed bhi nice. Yeah, yeah. They're all very nice. Ek dafa nazar aaya tha gym mein. Bhag raha tha. मैंने कहा मैं नहीं उसको पकड़ रहा but he's a very nice guy. अच्छा बंदा है. सारे अच्छे हैं. Yeah, yeah, they're all very nice people. तो ये अब कितनी एपिसोड्स हो गई हैं इसकी और कितनी हैं? You're not following. No, no, I'm not. Not at all. अच्छा, you don't watch your own dramas. Not at all. I get very awkward, so I don't watch it. अपने आप को देखते हैं. हाँ. और नायल ने कभी देखा भी था? हाँ. तो नायल क्या कहता है? Wow, अम्मा, I wanna go. मैं अपने नायल को कल भी ना समझाने की कोशिश करता कि अम्मा इज योर अम्मा इज एन एक्टर. या तो कहते नो अम्मा इज अम्मा. अम्मा इज अम्मा. हाउ कैन शी बी एक्टर? हां ट्रू. तो वो ये था. खैर जितने भी लोग अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं, सॉरी, आप लोग अपनी ईमेल्स हमें भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. और ये लीजिए, ये लिंक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं. इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग हमारी स्ट्रीम अब ज्वाइन कर सकते हैं. एक सेकेंड, ये अभी परसों ही हमारे शो पे उस्मान मुख्तार वो आए हुए थे और उनकी वो फिल्म एक रिलीज हुई है गुलाबो रानी. देखिए, मैंने मूवी नहीं देखी लेकिन ट्रेलर देखा एंड आई लव्ड इट. यू लव्ड इट? आई लव्ड इट. यू लाइक्ड इट? या बिकॉज़ इट्स डिफरेंट, यू नो. ये जॉनर ज्यादातर लोग करते नहीं है, घबराते हैं. आपने भी वैसे हॉरर ड्रामे किए हैं? हां, मैंने हॉरर ड्रामे किए हैं एंड आई लव द मीडियम. कितने किए हैं कुछ याद है? दरीचा हॉरर में आते हैं? दरीचा, हां, सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर. या या या, बट इट वाज काइंड ऑफ स्केरी. देन देयर वाज वो, आई थिंक दो ही किए हैं. एक वो भी तो की थी हमने इनसाइड. हाँ, लेकिन inside. वो हॉरर नहीं थी, साइकोलॉजिकल थी. बट इट वाज वेरी नाइस. आई डोंट नो इफ यू हैव द लिंक और नॉट, बट इट वाज अ वेरी नाइस शॉर्ट फिल्म. आई डोंट नो, आई डोंट नो. वेरी नाइस. सो हाँ, चलें जी. टेलीफोन लाइंस जो बकौल मतलब हमारे रेडियो के जमाने की वो टेलीफोन लाइंस होती थी, वो लिंक हमने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया. इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग हमारी अब स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं. और आज हमारे साथ स्ट्रीम पे मौजूद हैं सना अस्करी उर्फ हमारी बेगम साहिबा. किसी ने थोड़ी सी भी बदतमीजी की ना, मैं बता रहा हूँ, आज बेगम साहिबा के सामने मेरी प्लीज रिस्पेक्ट करवाएगा, खुदा के वास्ते इस तरह पोर्ट्रे करेगा कि जैसे मैं बहुत 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 बड़ा सुपरस्टार हूँ. प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, समझा करो जरा भाई के पॉइंट जरा ज्यादा होने चाहिए. ठीक है, चले जी प्रोग्राम का शुरू करें आगाज. यस प्लीज. फर्स्ट ईमेल शामिल करते हैं. अच्छा, ये तो कुछ और है. ये वाली पढ़ते हैं, ये तो बहुत छोटी सी है, चलें पढ़ लेते हैं. सही है, ईमेल शामिल करते हैं भैया. सलाम मिनहाज, ये वाक्या मेरी खाला का है. मेरी खाला को अक्सर ऐसे खौफनाक घरों का सामना करना पड़ता है जो रेंट पे लेते थे. उनमें से एक घर में मेरी खाला को अक्सर फजर के वक्त एक आदमी नज़र आता था, बूढ़ा, सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद दाढ़ी. वो मेरी खाला को हमेशा बोलता था कि तुम्हारी इकलौती औलाद को मैं ले जाऊँगा अपने साथ. मेरी खाला की एक ही बेटी है. वो रोज़ आता, रोज मेरी खाला को बोलता, जिसकी वजह से मेरी खाला बहुत खौफजदा हो गई थी. उसने एक दिन मेरी खाला को कहा कि मैं कुछ तुम्हें फूंकने का देता हूँ, अपने शोहर पे फूंक देना. मेरी खाला सोच में पड़ गई, वो समझी कि क्या पता नुकसान पहुंचा जाए. फिर मेरी खाला ने उस चीज को जो भी था वो नहीं फूंका. अगले ही दिन मेरी खाला के हस्बैंड का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से मेरी खाला को यकीन आ गया कि वो जो फूंकने का कहा था उस आदमी ने, वो उनकी सेफ्टी के लिए कहा था. खैर, मेरी खाला को वो घर छोड़ना पड़ा. अब वो वाकयात उनके साथ पेश नहीं आते. क्या सीखा आपने इस ईमेल से सना साहिबा? फूंकना चाहिए. हाँ. नहीं, आपने स्टोरी सुनी, क्या स्टोरी थी बताएं? आप भी बता दें. आपने सुनी? You're good at it. भाई उनका कहना ये था कि हमारी खाला जो है ना, वो क्योंकि वो रेंट पे रहती होंगी तो वो हर दो साल तीन साल के बाद घर शिफ्ट करना पड़ता होगा, तो वो ऐसे कभी किसी
मकान में भी रही है जहाँ पे इस तरह के वाकयात होते थे, जिसमें से एक घर ऐसा था जिसमें फजर के टाइम पे कोई बूढ़ा शख्स उनको दिखता था घर के अंदर। मोस्ट प्रॉब्ली जो जिस तरह का उन्होंने होलिया बताया है कि वो कोई बुजुर्ग होंगे, और वो बुजुर्ग ये कहते थे कि मैं तुम्हारी इकलौती औलाद को ले जाऊंगा। भाई क्यों ले जाऊंगा, बाप का माल है कि औलाद हम पैदा करें पालें उसको, अब तुम थोड़ा लगाओ और ले जाएंगे। अबे कैसे ले जाएगा तू भाई, चले लेकिन चले। और उसके बाद वो कहती हैं कि वो फिर रोज़ आता था और रोज़ यही कहता था कि मैं तुम्हारी औलाद को ले जाऊँगा। तो फिर वो डरने लगी, ऑब्वियसली कोई भी माँ होगी वो डरने लगेगी। उसके बाद वो एक दिन आया और उसने कहा कि एक चीज़ उसने थी फूंक, कहा कि ये चीज़ जाके अपने हस्बैंड में फूंक दो। तो इनको ये लगा कि चूंकि वो जिन है और वो वैसी धमकियां देता आ रहा है कि बच्चे को ले जाऊंगा, और इसने अब ये नई एक चीज़ निकाली अपनी पिटारी से और कहा कि ये जाके अपने हस्बैंड में फूंक दो, तो उसको लगा, उनको लगा होगा कि ये कोई गलत चीज़ है। उन्होंने नहीं फूंकी, अगले ही दिन उनके हस्बैंड का हाथ टूट गया। और उसके बाद वो कहती हैं कि उनको यकीन आ गया कि वो जो भी चीज़ फूंकने के लिए दे रहा था वो शायद उनकी हिफाजत के लिए था। क्या लग रहा है आपको इस कहानी के बारे में, जरा अपनी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए प्लीज। मुझे आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट बिकॉज़ आई डोंट नो इफ दिस एक्चुअली हैपेंड, और अगर ये हुआ भी तो मुझे रीजन नहीं समझ आ रहा कि उनके साथ हुआ क्यों ये, और औलाद को क्यों लेके जा रहे थे, और लेके क्यों नहीं गए, और लेके क्यों नहीं गए, और मियां का हाथ तोड़ दिया। नहीं, मियां का हाथ नहीं तोड़ा ना। हाँ ना, मियां को हाँ तो उनका हाथ टूटा। सेम पे कौन है? आई डोंट नो, जाके देखो। ये कौन बदतमीज आदमी है? हमारे घर में अचानक से बेल बजी है, कौन हो सकता है? ये देखिए अजीब अजीब चीजें होती हैं लाइव स्ट्रीम के दौरान। अभी जो भी होगा उसको इतनी डांट पड़ी होगी आपकी सोच है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ मैं जाऊँ, अरे हाँ मुझे जाना चाहिए, सॉरी। आप आए अगर चल रही अरे भैया देखिए एक और सरप्राइज आप लोगों के लिए, अगर सुना बैठी हुई तो आ जाए सुबह या सुबह आ जाए। So now it's a family show. अब हो गया जिन शो, दो जिन बैठे हुए आज तो हमारी हमारे स्टूडियो में सुपरस्टार्स का बरसात हो गई है भाई। एक तो स्टार है, एक फ्लॉप सुपरस्टार। नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा क्या चल क्या रहा है भाई? अभी तो शुरू किया था, अभी शुरू किया था। अभी हमने पहली क्यों चल रहे हैं आप? पहली नहीं, ऐसे सच बोल रहे हैं। पहली कहानी हमने लोगों को पढ़ाई, हमने पढ़ी थी ईमेल, तो वो ईमेल ये थी कि एक साहिबा है वो रेंट पे रहती हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं रेंट पे रहने वाले से, तो वो मुख्तलिफ घर में जाके रहती हैं। तो एक घर में वो गई तो उनको फजर के टाइम पे बुजुर्ग नजर आना शुरू हुआ अपने घर, और वो सफेद दाढ़ी और सफेद कपड़े में नेक बुजुर्ग, और वो आगे कहते हैं कि मैं तुम्हारी औलाद को ले जाऊंगा, तुम्हारी इकलौती औलाद को उठा के ले जाऊंगा। डेंजरस बुजुर्ग। सही है, अब पता नहीं क्यों अबे बाप का माल है कि उठा के ले गए ऐसे। खैर वो एक हफ्ते तक यही होता रहा। फिर उन्होंने एक दिन उन्होंने कहा कि इधर आओ बीबी, उन्होंने कोई अपनी जेब से चीज़ निकाली और पुड़िया दी, और उन्होंने कहा कि ये अपने हस्बैंड पे जाके फूंक दो। तो वो डर गई, जैसे आप अभी डरे कि यार ये तो जिन है, बच्ची को किडनैप करने का बोलते रहे और ये अब जेब से फूंकने का कुछ चीज और हस्बैंड पे, और हस्बैंड पे तो ये तो कुछ गलत चीज है। सास टाइप मौन लग रहा है। ये असल में सास थी, फेस बदल के सास आई भी थी। अच्छा, तो उन्होंने वो नहीं किया, वो नहीं किया, और अगले ही दिन उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और उनका हाथ टूट गया। हाथ टूट गया। बहुत मैंने कहा कट गया, टूट गया, ये जुड़ जाता। उसके बाद तो उनको ये लगा कि शायद वो बुजुर्ग आपके हॉरर शो आज कॉमेडी शो में कन्वर्ट होने वाला है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, वरना मानी को बुला लूं फिर तो बिल्कुल ही हो जाएगा, बिल्कुल कॉमेडी शो। लेकिन होना चाहिए। अच्छा मेरे पास एक वाक्य मैं सुनता था, इसमें मैं सुन के आ गया, बिकॉज़ मैं देखा सना बैठी थी आज, घर में मौज चल रहा है, बिल्लों की बातें हो रही हैं, बच्चों की बातें, नाइल को बुला ले। भाई नाइल उठेगा तो आवाज कैसे आएगी? खुद ही अंदर आ, खुद ही आ जाएगा नाइल, अब सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। अच्छा तो हुआ ये कि एक दफा क्या हुआ, सलमा सो रही थी, और शादी को मेरी और सलमा की शादी को हो गए थे तकरीबन कोई डेढ़ साल,
और तो मैं रात को करता था एडिटिंग, तो मैं रात में एडिटिंग कर रहा हूँ और होता है था कि 7 बजे एडिटिंग स्टार्ट होती थी और 3-4 बजे तक रात में चलती थी, तो आई शुड कम बैक होम बाय 5। तो अब शर्मा घर में शादी को रहने हुए थे, अपार्टमेंट हमने लिया था, तो उसने नहीं वो वाला 14 स्ट्रीट वाला, तो वो अकेले हम रहते थे। अच्छा उस वक्त आप लोग नापैद जिंदगी से नापैद थे, 2003-04 की बात हुई, तो बहुत पुरानी पुरानी बात। तो सलमा घर आया सुबह 5 बजे, सलमा जागी, मैं सोई नहीं, बिकॉज सलमा 10-11 बजे सो जाती है, वो उसका वो अंग्रेज टाइप माहौल है, वो सो जाती है। तो मैं आया, मैं 5 बजे उठी, मैं जल्दी उठ गई, कहने लगी नहीं मैं डर रही हूँ, हुआ क्या है? कहने लगी यार मैं सो रही थी तो मेरे बिस्तर के सराहने मुझे नजर आया, जैसे मुझे फील हुआ कि खड़ा हुआ है कोई। तो मैंने आँख खोली, तो मैं हल्की सी आँख खोली तो एक बहुत ही मुलायम दाढ़ी, खूबसूरत स्माइल और बहुत ही एक अच्छे से बुजुर्ग खड़े हुए थे और मुझे देख रहे थे सोते हुए। अब बुजुर्ग सुन के खुशी भी हुई हाँ बुजुर्ग ही थे वाले। और शादी को 1.5 साल हुआ है तो भाई टेंशन में भी आ गया हमारे घर में कौन लोग आ रहे। तो मैंने कहा ये तो मैं हमारे दिमाग में होते नहीं नहीं असफर वाकई मैं देखा। तो कहने मैंने कहा तुम्हें क्या, तुम क्या डर गई? कहने की नहीं मैं चीख मार दी। कहने की नहीं मुझे अच्छा फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये हार्मलेस आदमी है, जो भी है ये खड़ा हुआ ये हार्मलेस है। तो मैं ना उनको उनको देख रही थी और मैंने से बोला कि आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छी लड़की और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन तुम उनको फेस कर जाओगी और तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम परेशान कभी नहीं होना, ऐसी उन्होंने को बात कॉन्वर्सेशन हुई है प्रॉपर कॉन्वर्सेशन हुई। तो कहने लगी कि मैं तो अजीब सी हो गई। तो मैं फिर उसके बाद वो बुजुर्ग जो है वो मुड़े और दरवाजे की तरफ जाना शुरू हो गया, बेडरूम के डोर की तरफ। तो कहने लगी मेरी उस वक्त फिर आँख खुली, उससे पहले आने के वो सोच में था जो भी था, लेकिन कहने लगी वो इतना रियल है, इतना रियल था कि मैं महसूस करी थी कि वो आई कुड सी द गाय, वो जा रहा है मुड़ के और वो, मैं अभी उठी और पहले उठी भी थी। तो मैंने कहा ये ख्वाब है ऐसे कोई, ये तो ख्वाब में आ गया कोई, तो मैं तुम्हारी ये लाशों में से कोई चीज़ दादा अब्बू की ख्वाब आ गया होगा, किसी का आ गया होगा, मैंने अपने हिसाब से लगाया। खैर ये बात आई गई होगी, परेशान हुई, प्यारा किया, ठीक है डोंट वरी, इट्स ऑल गुड, ख़त्म होगी बात। एक हफ्ते बाद दोबारा वही हुआ और इस बार शर्मा जागी हुई थी, हाँ उस बार सोई भी नहीं थी। इनफैक्ट शर्मा टोल्ड मी दिस, शी डिड इट इनिशियली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है कि शर्मा को बुलाओगे तो बताएगी कि वो बुजुर्ग आते थे और वो आके बात करते थे उससे और बहुत मुलायम चेहरा, स्माइल, लुकिंग एट हर, यू नो। और जब आप नहीं होते थे तब होता था ये? हाँ एक दफा तो मैं था, लेकिन मैं इतने घोड़े गधे बेच के सोता हूँ कि अगर बम फट जाए। सेकंड टाइम मुझे याद, मैं मुझे मुझे ऐसा वो बना ले मैं बना रहा हूँ। उड़ने का तुम्हें एक रोल मिल रहा है हॉलीवुड में, हमारे बनाने में यही निकलता है, हॉलीवुड में रोल मिल रहा है, बड़े पैसे मिलने वाले हैं बड़े नहीं भाई, बट लाइक इज समथिंग दैट एक्चुअली मेरी जिंदगी में तो नहीं हुआ इस तरह का, लेकिन ये मुझे एक वाक्य याद है जो जो बहुत शर्मा ऐसे झूठ वूट नहीं बोलती, वो क्यों बोलेगी, वो नो रीजन, और वो है इस तरह की वो उसने, तो मुझे बड़ा वो वियर्ड लगा कि मैंने कहा चाहिए, लेकिन वो एक नेक बुजुर्ग टाइप शख्सियत जो है वो आए थे, तो ये मुझे बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आपके साथ कभी नहीं हुआ सो भाई? हुआ है मेरे साथ अच्छा होता क्या कि लाशोर में होता है, आई थिंक वो शायद होता भी है। अच्छा पहले हुआ क्या, पहले वो तो बताए ना यार। ओके सो वंस व्हाट हैपेंड वाज कि हमने एक हॉरर भी नहीं, मिस्ट्री सीरीज का एक ड्रामा शूट करने के लिए गए हम गुलशन इकबाल में, घर हमने बुक किया। उस जमाने में 97-98 में होता ये था कि अब तो लोग बोलते हैं पैसे दें घर बुक करने के, पहले आप नॉक करते थे कि अभी हमें शूटिंग करने है, टीवी वाले आए हैं, आए खाना खाएं और ये करें और वो करें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये वाला हाल था। तो हम एक घर में गए हम, अच्छा हमारी सीरीज जो थी वो आधे घंटे का ड्रामा था, उसमें दिखा रहा था कि खाली घर है और उस खाली घर में लोग देखने आए हैं उस घर को, तो वहाँ पर जिन भूत वगैरह होते हैं, इस तरह की कोई कहानी थी। तो पुरानी बात है, मुझे इतनी क्लियरली याद नहीं है, इवन सलमा वाली बात में कुछ डिटेल्स मिस कर रहा हूँ बिकॉज इतनी पुरानी बात हो गई है, 20 साल पुरानी। बट एनीवे सो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, व्हाट हैपेंड वाज कि हम गए शूटिंग करने वहाँ पर और हमने वहाँ पर खाली घर था, तो नीचे का पोर्शन भरा हुआ था, ऊपर का पोर्शन खाली था। तो किसी ने कहा कि ऊपर का पोर्शन खाली है तो आप चाहें तो वहाँ पर शूटिंग कर लें, हम जाके आप पूछ लें जो ओनर्स हमसे पूछ लें। हम चले गए, हमने घंटी मारी, कुछ खवातीन निकली, एक उनका बच्चा निकला, उसने कहा हाँ शूटिंग करेंगे करें हमारे घर में देख लें, शूटिंग देख लें बिल्कुल देख लें।
तो इसी ये होता था रिश्वत कि आप शूटिंग देख लें। अच्छा हीरो कौन है? आपने किसी का मुकद्दम हीरो है? हाँ ओके 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 बेस्ट बेस्ट जो भी है। पता नहीं देखा शक्ल भी नहीं, हमें भी नहीं पता कौन है, हमें भी नहीं पता कौन है, मुकद्दम आ गया शूटिंग। तो एक लड़का थी एक लड़की थी और उनका एक उन्होंने दिखाया था कि एक कजन है जो कहीं और से आया हुआ है और थोड़ा मिस्टीरियस सा है और चुप रहता है और ये वो, तो इस तरह के कैरेक्टर से तीन हमने शूटिंग स्टार्ट की। मैं ये बड़ा बड़ा फनी वाक्य फनी था, एक्चुअली स्केरी था। ये तो मुझे आपने बताया, ये बताया था मैंने तुम्हें यार। उस घर में लाइट लगाई हमने और शूटिंग के लिए लाइटिंग वाइटिंग की हमने एक कमरे में, और मैंने कहा जैसे मैंने कहा एक्शन, एक लाइट गिरी डाउन जोर से आवाज आई और लाइट फट गई, मतलब बंद हो गई। हम डर गए और उसका मैंने कहा ये इसकी लाइट के था, मैं एक और लेके आता हूँ बल्ब ये वो। उसने बोला हम इसको फिक्स करते हैं। खैर फिक्स किया। अभी ये कर रहे थे कि दिखाया कि हीरोइन जो है कमरे में अंदर आती है और बोलती है ये वाला कमरा कितना अच्छा है, मैं बेडरूम बनाऊंगी। वो इस तरह का सीन था, बेडरूम बनाऊंगी वो। व्हेन शी वॉक्ड इन तो दरवाजा खोल के अंदर आई ना, हवा चल रही है, खिड़कियां बंद है, यहाँ पर खिड़कियां बंद है, दरवाजा फुल खुला हुआ है और वो जोर से बंद होता है धाम करके, इतनी जोर क्या दरवाजा बंद हुआ खाली घर में, तो एको भी हुआ और वो। तो हमने कहा यार ये क्या हो रहा है ये, मतलब अभी तो हमने हाँ लाइट गिर गई पहले, फिर ये हो गया कुछ देर बाद, एक ये ड्रामा हुआ उसका, फिर एकदम से क्या हुआ, हमने शूटिंग स्टार्ट की। मैंने बोला एक्शन, जब मैं कहता ना एक्शन कोई ना कोई यार पता नहीं जिन भी ना वो क्यू पे थे, मैंने कहा एक्शन लाइट चली गई, लाइट चली गई, अंधेरा गोप हो गया, अंधेरा गोप हो गया। तो जनरेटर नहीं होते थे, जनरेटर क्या बात है, यूपीएस का नाम, यूपीएस का नाम यूज होता सेट वाले जनरेटर, नहीं नहीं वो क्या बात है, नहीं वो लाइट गई तो लाइट गई, अब कोई नया जगह ढूंढे या वेट करो। तो लाइट चली गई, लाइट अंधेरा गोप हो गया, लाइटर वाइटर किसी ने ऑन कर दिया, ये सब ड्रामे हो गए। उसके बंदे ने कहा मैं देखता हूँ सर, वो क्या पता हमने ज्यादा लाइटों का वो लोड लिया हुआ हो, तो जाके नीचे शायद ट्रिप हो गया, बंदा नीचे गया। हम वेट कर रहे हैं, खिड़कियाँ खोल दी हमने, कुछ कर दिया, कहीं पर हल्की फुल्की लाइट आ रही है बाहर से, तो हम वेट कर रहे हैं। इतने समय बंदे की आवाज़ आई, चीखे भी मारना शुरू कर दी उसे। हम भागे 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 देख दाग के नीचे पहुंचे, तो हमने कहा क्या हुआ क्या हुआ। उस बंदे का मुझे अभी तक नाम याद है, अकबर कहता है मैं वो जो जहाँ पर घर होता है ना बने, तो घरों में एक छोटा सा रूम होता है स्टोर रूम टाइप, वहाँ पर वो लगे होते हैं मीटर वीटर लगे होते हैं याद है, जौहर गुलशन में था। कह वहाँ मैं कहता है वहाँ गया हूँ, कहता है वहाँ मुझे एक औरत दिखी अजीब अजीब लाल आंखें, तो चीखें वगैरह मैं तो चीख पाई निकल ही रही थी, इतना डर गया मैं। अब मेरी चीख निकली है तो आप लोग आए हैं, वरना तो बहुत देर से वहाँ खड़ी देख रही थी मुझे यूँ। अरे यार ये इसको डर लग रहा है और कुछ नहीं है, और ड्रामा हमारा सारा जिनों के ऊपर था भी जिनों के, हाँ ड्रामा हमारा सही वो हॉन्टेड हाउस के ऊपर कि खाली घर है, उसमें अभी कपल शिफ्ट नहीं हुआ कि ये हो गया हमारे साथ, अभी तो हम फर्नीचर लाते हैं उसमें रखते हैं और फिर दिखाते हैं कि ड्रामा आगे चला, तो पहले में ही हो गया। और फिर एंड में क्या हुआ कि हमें गैस की बुआ रश हो गई, हम शूटिंग करना शुरू में कोई सीन वीन शूट किए। अच्छा मैं थोड़ा सा वो वाला होना कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, करे करे काम तो करो, काम तो करो ना, कुछ नहीं होता। तो मैं पुश करता रहा एक्टर्स को भी चीज़ों को भी, कुछ एएनजी के लड़के वगैरह कहने लगे कि यार वो एएनजी मतलब इक्विपमेंट के लोग जो होते हैं वो कहने लगे क्रू के कि यार नेस भाई छोड़े हैं, लग रहा है वो गलत हो रहा है, ये घर सही नहीं है, यहाँ सेब है यहाँ। मैं कहा ड्रामा यहाँ सेब को बना रहे हैं, करते हैं कुछ नहीं होता, करते 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 बेटा बेटा करो करो करो, करो। हाँ तो और मैं था भी बहुत यंग ना, तो मुझे वैसे था कि मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं था कि बस करना तो है। डर लगता था वैसा, काम करे था कि इसको फटाफट भी अभी शूटिंग करेंगे, फिर एडिटिंग होगी इसकी, फिर हमने जाके बॉस को दिखाना है, फिर वो अप्रूव करेगा, प्रोसेस चल रहा है यार। अगर हम जिन भूत में फंस गए तो कैसे काम चलेगा आगे। तो मैं थोड़ा काम में फंसा हुआ था, तो मैंने पुश किया उन लोगों के नहीं करें करेंगे। तो एंड में हमें गैस की बू आने लगी, शूटिंग वूटिंग की हमने कोई तकरीबन 3-4 सीन किए, फिर कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल सीन चलते रहे। हमें बोलता भी लाके देखा कुछ भी नहीं हुआ, देखा कुछ भी नहीं हुआ, और अल्टीमेटली हमें गैस की बू आना शुरू हो गई घर में से, बहुत गैस की खुशबू आ रही है। और मैं जो स्पीड में सिगरेट पीता हूँ, तो अगर कोई हाँ मतलब वो जो वो कौन सी स्पाई फिल्म नहीं होती, वो जो बॉन्ड जेसन बॉन्ड टाइप मॉल, हाँ तो वो वाला, तो गैस की बू भी आ रही थी। वो तो लोग तो जो मेरे क्रू के लोग थे वो काफी परेशान हो गए थे, बिकॉज वो उनके घरों में ये होता होगा तावीज गंडे ये वो, इस तरह की बातें होती होंगी। तो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया, तो जब गैस की बहुत बू है, मैंने कहा सोल्यूशन भाई के पास खिड़किया खोलो, खोल दो खिड़कियाँ, गैस निकल जाए कुछ नहीं होगा, ये वो सिगरेट तो नहीं रुकेगी। हाँ इतने में क्या हुआ कि जो हमने एक लाइट लगाई हुई थी, अब तुम्हें पता है कि
कि बाहर हम अगर शूट करते हैं, शूट हम यहाँ कमरे करते हैं, तो बाहर की लाइटिंग के लिए एक लाइट हम बाहर लगाते हैं, तो वो दरवाजे से लाइट अंदर आ रही होती है या खिड़की से लाइट अंदर आ रही होती है, वो सोर्स जैसे बोलते हैं, उस लाइट में हुआ ब्लास्ट। ऐसा भी नहीं कि बॉम्ब ब्लास्ट, लेकिन वो जो लाइट ने गैस पकड़ी है, वो गर्म होगी तो वो गैस पकड़ी है, वो डॉम करके फटी लाइट। और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हम यहाँ कमरे में हैं और कोई एग्जिट भी नहीं, यहाँ पे लाइट फट गई, अगर यहाँ कोई फट गई तो आग लगेगी, तो कुछ करो। तो उस वक्त मैंने कहा ठीक है बंद करके हमने फटाफट झड़ भाग दौड़ ये वो लाइटें बैठे, खिड़की दरवाजे खोल दिए, सारा खोल दिया कि फटाफट बाहर के भी खोलो, यहाँ के इस खिड़की से कुछ नहीं होगा और भी खोलो, ये गैस से लाइट गैस लीक। फिर वो खैर नहीं, वो नीचे जो लोग थे उनको हम उससे बोल रहे थे कि खामोश रहें, आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिकॉज माइक में आवाज आपकी आ रही है, तो बच्चा चुप कराएं और ये कराएं, बूम होता होगा, बूम 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 बूम, कॉलर माइक्स नहीं था, बूम था। तो वो बेचारे वो चुप बैठे हुए, जब ब्लास्ट हुए चीजें, जो बाहर ब्लास्ट हुआ कमरे में जो कुछ हुआ उनको इतना इससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बाहर बाहर ब्लास्ट हुआ ना, उस पर वो आंटियाँ वंटियाँ सारी ऊपर आई, क्या हुआ उनको, घर पड़ गया, मतलब क्या कर दिया वो ऊपर है, कह रही क्या हुआ क्या हुआ, मैंने कहा नहीं वो एक्चुअली वो लाइट में कोई गैस, कह रही हाँ गैस की वो आ रही है, नहीं नहीं ये कुछ चक्कर है, मैं पूछा उनसे कि वो ये लीक है, कहती नहीं नहीं हमने घर बनवाए हुए कुछ साल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ ये वो, उन्होंने बातें की। सो आई फिगर्ड कि हाँ ये पॉसिबली एक एक्सप्लेनेशन ये है कि जी पाकिस्तान में गैस फिटिंग आपको पता है, और एक एक्सप्लेनेशन ये कि जिन बूथ होंगे, विच वन डू यू वांट टू बिलीव। लेकिन देखिए अगर एक जैसे होता है ना, एक दफा लाइट फट गई, बार बार हुआ ना, तीन चार बार हुआ ना, दरवाजे का बंद होना। तो मुझे नदीम असद एक हमारे बड़े पुराने राइटर हैं और लिरिसिस्ट हैं, और उन्होंने बहुत सारे गाने वाने लिखे हैं, और बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, दोस्त हैं हमारे पुराने। नदीम असद कहने लगा भाई जब तुम ये जिन भूत वाली बातें शूटिंग वूटिंग करते हैं हम लोग, बिकॉज ये वाक्य मैंने उनसे शेयर किया एक दो हफ्ते बाद, जो भी महीने बाद, उन्होंने कहा भाई ये जब करते हैं ना हम लोग, तो इसमें आप समन कर लेते हैं भूतों को ज्यादा, तो मैं फट में जान निकलती है कि आप यहाँ करते हैं और आप मुस्तकिल जिन भूतों की बातें कर रहे होते हैं, पता नहीं यार कितने होंगे यहाँ पर। हाँ ठीक है, I live in this house, but sir they don't bring, I think आप किसी जिन के पर बैठे हैं, सॉरी भाई आपको तकलीफ तो नहीं होगी, you know I just feel कि पता नहीं यहाँ पर तुम इतनी बातें करते हो, कहते हैं कि ज्यादा जिक्र करो तो आ जाते हैं, होंगे तो मे बी आ जाते हैं, क्या करें हैं तो हैं, कुछ करते तो नहीं है, लेकिन कुछ कहते हुए नहीं नहीं ऐसा तो हो चुका है, क्या बात कर रही है, यहाँ से जिन सेट पे आगे तो डराने के लिए यहाँ मेरे साथ एंजेलिन वाली घर में हाँ, वो तो घर हॉन्टेड लगता भी मुझे, लेकिन आपको पता ही वाला वाकया जो ये सर वाली वो जो खटमा भाई ओ खटमा अरे सुने ना बताएं माइक के पास है। तो हम शूट कर रहे थे कि खटमा मार्केट वाले घर पे और हॉरर प्ले पिछले वाले वो में हमारे साथ बड़े एपिसोड हुए, was not even too bothered, I was like हाँ ठीक है। अच्छा आपको वो घर याद है, देखा वो full checkered उसकी, वो था थोड़ा सा old style, हाँ ठीक है, खैर anyhow तो फिर shoot start हुई। अब सबसे बड़ा मसला वहाँ bathroom का, ये आप bathroom जहाँ change करने गए bathroom locked, कोई बाथरूम नहीं जाता था, बाथरूम हर वक्त लॉक होता था। आप खोल रहे हैं अंदर से खुलेगा ही नहीं वो, अंदर आपको लगा कोई अंदर है, अब ये आपने खुलवाया बाथरूम, आप अभी बाहर निकले और वापस खोलेंगे वो लॉक, अच्छा लॉक का कोई चक्कर नहीं था। खैर वो भी फिर मैंने कहा नहीं यार पागल है, वो हमारा वाला पाकिस्तानी हमारा। दो तीन सीन्स के बाद चौथे सीन पे हम गए तो वो जी फ्रेम्स लग रहे हैं, सारा कुछ हो गया, एक्शन सारे फ्रेम जमीन पे, यही बिल्कुल यही तो हरकतें होती हैं, वहीं पर हैं जिन खुटियों पे वो फ्रेम लटके थे, वो वहीं फ्रेम सारे नीचे गिर गए, फिर जिन स्विचेस पे नथु लगते थे आग लग गई उन पे, वो भी हमने इग्नोर कर दिया। खैर सारा ड्रामा कंप्लीट हो गया, जिस दिन वो सारी एग्जिसिज्म वाला सीन होना था मुझे इन्होंने लटका दिया क्रेन से, ठीक है पूरा जो इवनिंग से लेके सुबह 4 बजे तक मैं लटकी रही, ठीक है क्रेन पे काफी ऊंची मुझे लटका दिया, वो ब्लोअर्स चल रहे हैं सारा कुछ हो गया, ठीक है क्या फजर के वक्त मनाल मुझे कहीं लेने आए हैं, अब मैं घर आ गई, मैं सो गई, सो के जब मैं उठी हूँ I was somewhere else. Are you kidding me? Yeah, I was gone.
I was gone. But gone like I how? I couldn't yeah. open my eyes because I could see people around me. Are you joking? सिर्फ चेहरे 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 और मैंने रोना शुरू कर दिया. जरी बात है. मतलब जाओ. और चेहरे चेहरे किस तरह के चेहरे? They were like on my face. अजीब अजीब. हर नसल की सिर्फ शक्लें. ये तो रुएं होंगी. ठीक है. और नहीं बॉडी नहीं सिर्फ शक्लें. सिर्फ शक्लें. Just faces. Floating in the air. Yeah. They were right here. You know. अब मैं 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा मुझे घंटों हो गए. फिर मिराज ने कहा कि he freaked out, then he called my parents कि आप लोग आए, इसको पता नहीं क्या हो गया. And I was just crying कि मैं आँख नहीं खोल सकती. अच्छा मैं खोल ही नहीं सकती. मैं जब आप वापस आए ना हम लोग, तो ये नींद में आते 4-5 बज रहे थे. मैं जाके सो गया. ये शायद सोई नहीं, ये जागी नहीं. फिर बीच में फिर मैं दोबारा उठा तो मैंने देखा सुनन जागी नहीं. उसके बाद पूरा दिन ये चला है. फिर मगरिब से कुछ देर पहले मैंने कहा इमनाज को कि मुझे मस्जिद लेके जाए. वहाँ क्या तारीख और मस्जिद वहाँ पे एक और मसला आ गया. रहमानी मस्जिद लेके चलेगा वहाँ के मौलवी साहब कह रहे हैं औरत को तो मस्जिद में आनी नहीं. हाँ ये एक नया मसला. मैंने कहा भैया अभी एक मसला नहीं हल हुआ, दूसरा कहाँ से आ गया. मैंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि प्लीज प्लीज एक बार मुझसे मिल लें, बस मेरे साथ मसला हुआ है कुछ. तो फिर वो मौलवी साहब ने दम वम किया तो आई फेल्ट बेटर. लेकिन मुझे याद है मस्जिद के बाद मिन्हाज ने ATM जाना था. He stopped the car and I started screaming. I said, "मुझे अकेले नहीं छोड़ के जाओ." Oh my God. उसके बाद काफी लंबा है बिस्तर. या या या. लेकिन यार तू तो सारे बैंक बैलेंस आगे रखा है. फिर उसके अगले दिन I was shooting again. ज़्यादा चीज़ थी. ज़्यादा चीज़ नहीं थी. अबे तेरा बैंक बैलेंस साले. हमें कभी नहीं पता. अच्छा फिर क्या हुआ आगे बताओ. उसके बाद ये अगले दिन मेरी शूट थी, मैं नहीं गई शूट पे. I just couldn't move. I was too scared. मैं शीशा नहीं देख सकती थी because I could see somebody. मुझे लग रहा था मैं गई. ये तो हो गई मेरे साथ कहानी. यार कमाल है ये. और हफ्ता रहा ये. ये एक हफ्ता यार मलिक को नहीं दिख रहे वो शक्ल. नहीं नहीं उनके साथ तो बहुत हुआ है. पूरे कमरे में जो है ना वो उन्होंने CCTV कनेक्शन लगाए हुए पूरे घर के. अच्छा, जो पिछला घर था. तो हर रोज रात को कोई 1:30-2 बजे के करीब बेल बजे मेन गेट की. वो देखे CCTV पे फुटेज, कोई भी नहीं पाए. वो फिर भी जाके खोले. एक दिन क्या हुआ, यही बहन के बच्चे आए हुए थे. इसने कहा घंटी बजी गए बाहर देखने. उसने कहा कि आज तो बच्चे भी आए हुए. वो चौड़ हुई हुई थी. कहती आज मैं बाहर जाके देखूंगी कि तंग कौन तंग कर रहा है. ये बच्चे लेके बाहर निकले हैं. दरवाजा बंद. अब बाहर खड़े हुए बंद और लॉक. दो बच्चे साथ में एंड शी वाज लॉक्ड आउटसाइड. और फिर सुबह हुई. फिर वो किसी तरह अंदर गई है अपने घर में. और ये हर वक्त रूटीन था उनके घर में. शी न्यू देयर वाज समथिंग. फ्रेम्स गिर जाते थे. बहुत सारा कुछ होता था. बच्चों ने देखा है खिड़की पे बैठी हुई किसी औरत को. अच्छा मजे की बात ये कि जो हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात होते हैं उसमें कभी भी सुना है कि वो जिन ने किसी के हलक में हाथ डाल के दिल फेफड़ा निकाल लिया? कुछ भी नहीं. हमेशा वो डराते हैं फ्रेम गिरा देंगे. यानी कि जिनकी भी कुवत इतनी नहीं है वो लैम्प गिरा दिया. बस ये यहाँ तक ही. हमारे भी उसमें दरवाजा बंद कर बाहर लॉक कर दिया कि कोई और आके लूट ले इनको. बस यही मैक्सिमम. ये वाली कहानी मैं कंप्लीट करूं. हां बताओ बताओ. अब वो जो है एंजेलिन यहीं पे तो अभी मैं दोबारा से जो है उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रही थी. नए वाले घर भी कुछ ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ, हमने कहा कि चलो रात को ना हम बैठते हैं, चिलिंग करते हैं, खाना पीना करते हैं. एंड हो रही थी शूट तो हम सारे बैठ गए. तो फिर एंजेलिन ने एक सूटकेस निकाला. ओके ओके. उस सूटकेस के अंदर क्या था, ये उसी घर की 2 छत्ती में से सूटकेस निकला. उसमें पता नहीं कितने पुराने कुरान पाक के पेजेस निकले हैं. गोल्ड में लिखा हुआ उस पे कुछ. फिर बहुत सारी आयतें निकली हैं जो मिटी नहीं है. बिस्मिल्लाह है तो वो आधा है, आयत है तो वो आधी है, बीच में से खोखली है, उल्टा लिखा हुआ, कुछ पर्चे जले हुए हैं और वो पूरा थद्दा निकला. वाओ पूरा थद्दा. और वो गोल्ड से लिखा हुआ है.
बड़ी वैल्यू होगी, बहुत वैल्यू है। और उन्होंने वो टर्की में दिखाया ले जाके, एंड देन शी वाज लाइक नहीं आई डोंट नो इफ आई शुड सेल इट और नॉट, क्योंकि यू नो पता नहीं क्या इसका रिएक्शन हो, क्या सीन है, पता नहीं क्या सीन कुछ है। लेकिन इसका कहते हैं कि उल्टा कुरान रखो तो इस जादू, एक्चुअली इस एक्चुअली जादू है, God knows what it is, लेकिन मैंने वो खुद बल्कि मैंने and out of all the people from the industry it had to be Yajin Malik जिनको ये उल्टी चीजें और वैसे ही। But you know what, the best part, she's not scared at all. वो बंदी वहाँ खड़ी खड़ा मार्केट पे अकेली रहती इस वाले के लिए, she's alone, she's not scared, हमेशा रही अकेली वैसे। जो ये नहीं होते फ्री मेसन्स, हाँ हाँ फ्री मेसन्स का ना एक तरीका होता है, जिस जगह पे उनका वो आप कह लें उनका गेस्ट हाउस या बॉयज हुड कहते हैं उसको, पता नहीं कुछ उसकी ना वो निशानियां होती हैं, वो हमेशा पता चल जाता है कि अच्छा ये फ्री मेसन्स का घर है। ओके, और फ्री मेसन्स के घर की सबसे कॉमन तरीन चीज जो है ना वो है चेकर्ड फ्लोर्स, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन ये अमीरों के घर में जमाने में था, फैशन था, जैसे कॉलम्स थे, ग्रीक कॉलम्स थे, उस जमाने के आर्किटेक्ट जो भी बिल्डर्स थे उन्होंने बोला कि आपको हम एक वो अमीर लुक देते हैं। हाँ। तो अमीर लुक ये थी चेकर्ड फ्लोर्स, तो पुराना एक वो है। लेकिन ये वाला खड्डा वाला घर जो था वो तो बहुत ही वियर्ड था। हाँ, ये काफी काफी सीन हुए, बहुत सारे सीन। हाँ, आई कैन इमेजिन बिकॉज़ यू नो खड्डा मार्केट वाली जगह जो है ना वो लेट्स से इन 80s वाज लाइक पूरे बहुत बड़े इलाके में तीन घर, यू नो, तो जिसको जादू वादू करना होता होगा वो वुड बी इजी फॉर हिम और हर टू लिव देयर। तो अब वो आसपास घर बन गए, घर तो वहीं रहा, तो जब आयजीन गई तो प्रॉब्ली पॉसिबल है कि यू नो थिंग्स। जादू पे आप लोगों क्या हुआ है? आई बिलीव इन जादू, आई बिलीव आई एग्जिस्ट, जादू एग्जिस्ट, आई एग्जिस्ट। आपने इंडस्ट्री के नाम भी लेंगे लोग, मेरे नाम भी आपने बताया था। And I've heard so many. हाँ, मैंने भी सुने हैं। जादू मैंने तो सुने, आपसे नहीं सुने। जादू मैं इसलिए पता है मैं क्यों कहता हूँ यार, लेकिन मैं बताऊँ ठीक है, I can be this part in this one because यार कुरान में लिखा हुआ है जादू तो हुआ था ना, बड़ा कहना तो वो तो हुआ है ना, तो वो तो मानना पड़ेगा ना कि जादू है, जादू एग्जिस्ट करता है। और जादू में इस तरह की चीजें होती है ना, काला जादू जो है वो ब्लैक मैजिक जो है, उसमें आप खाने काबा के ऑपोजिट तरीके ऑपोजिट उस पर खड़े होके नमाज पढ़ लें, उल्टी आयतें पढ़ लें, यू नो, और लोग इंसान है, दिमाग है, वो याद कर लेता है उल्टी आयतें। जैसे लोगों को कुरान जो है वो कुरान पाक जो है वो हिफ्ज है, तो लोग उसको उल्टा भी हिफ्ज याद कर सकते हैं, इंसान का दिमाग है वो कर सकता है। तो आई एम श्योर द थिंग्स दैट कैन हैपन, बट आई ऑल्सो बिलीव कि ऐसे रिपरकशन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा किसी की गलत कर दिया तो वो घूम के नहीं आया, वो घूम के तो आता होगा यार, कहीं ना कहीं जो भी करता है उसको तकलीफ तो होती होगी, कुछ ना कुछ तो होता होगा। जेलसी है ना, एक तो मुझे आपसे जेलसी है, मैंने कर दिया, मुझे ये भी पता है कि मेरे साथ गलत होगा, मतलब मुझे अपना आउटकम तो पता है ना, हर हर वो वाली बात है, हर विक्ट्री के पीछे एक सैक्रिफाइस है, एक मेहनत है, तो किसी और को गिराने में भी कोई मेहनत है, सैक्रिफाइस है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग सैक्रिफाइस होता है। हां होता होगा, आई एम श्योर होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। आप पता है जब हम लोग वहां मरी गए थे, हां मरी लाइक होने के बाद, हां रात में लॉकवुड में, लॉकवुड में नाम नहीं बताना, बट वो अच्छा होटल है, वहीं जाके रुकता हमेशा, फेवरेट है मेरा। तो वो लॉकवुड में बात बात करके फिर हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सही है। मैं कमरे में गया तो एंटर होते ही लेफ्ट पे वो बिस्तर था, छोटा सा एक सिंगल बिस्तर था जिसमें अफराज लेटा हुआ था, और फिर वो मेन कमरा था, तो मैं अंदर चला गया, अफराज को मैंने देखा, उसने कहा मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, दो कमरे थे, और फिर मैं अंदर चला गया अपने रूम में जाके मैं लेट गया। अब मैं लेटा हूँ और मुझे थोड़ी देर में नींद आई, हल्की सी आ गई। अब मैं जो ना बीच में उठा हूँ तो मुझे आवाज आ रही है छत से, जैसे कोई तो मुझे वो आवाज आई है, मैं उठ गया। अब मैं नोट कर रहा हूँ की आवाज आ कहाँ से रही है, अच्छा मुझे वॉक करने की आवाज आ रही है, तो मैं अपना हिसाब लगाया कि बंदर है, ऊपर चढ़ा है, बिल्ली है, बिल्ली बिल्ली होगी। अब ये आवाज आना शुरू हुई वॉशरूम से, और ये वॉशरूम के अंदर से आवाज आ, बिल्ली अंदर आ गई है,
इस दौरान मैंने नोट किया कि अफराज उठे और उससे वो उठा और दरवाजा खोला और चला कहाँ चले बाहर चला गया मतलब कमरा उसे उठा और कहाँ गया मेन दरवाजे से बाहर चला गया रूम से बाहर चला गया ठीक है अब मैं उस पोजीशन में लेटा हूँ और मुझे आवाज आ रही है खा 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 और बाथरूम से टक 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 अचानक से आवाज आना शुरू हुई कमरे में बाथरूम के दरवाजे से आवाज आ रही मुझे नॉक ओके और मैंने बराबर में सना और मैं बेहोश सही अरे बिल्कुल आपका मैं नहीं उठती सो गया तो अल्लाह ही उठाता है अब मैं इसको उठाऊं तो कि इसको अगर उठा दिया ये दिमाग खराब है तुम्हारा हां उठा दिया मुझे अभी तो गालियां पड़ेंगी और कुछ नहीं है इस चुड़ैल को जगह से भी अरे उस चुड़ैल को देख बचा के मैं डरते डरते गया दरवाजा खोला दूं कोई नहीं वापस आके लेटा हूं तो फिर वो टक 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 और मुझे बाहर जो कॉरिडोर था उधर साया चल रहा था खिड़की लगी हुई खिड़की से जा रहा है मुझे लगा कि यार कोई वो होगा वेटर होगा वेटर हेल्पर होगा वो झांक रहा होगा तो मैं उठा हूं तो जैसे मैं उठा हूं तो वो गायब कहता मैंने अंदर ही से झांक के देखा कि राइट है कोई भी नहीं कहता मैं दोबारा लेट गया कहता मैं लेटने की सोने की कोशिश कर रहा हूं तो बंदा जो है एक मैं देख रहा हूं बार बार इधर से उधर राइट एंड लेफ्ट गुस्से में वॉक कर रहा और वो बार बार हमारे कमरे की तरफ खिड़की की तरफ दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं कहते मेरी इतनी जान निकली मैंने वही दरवाजा बंद किया मैं बाहर जो मैंने देखा था उसको निकलते वो अच्छा वापस नहीं आया वो एक सेकेंड मजे की बात ये भी चल गया रमी जैसा हो गया फिर मैं उठ गया ये भी मुझे अकेला छोड़ गए ये दोनों किसको ले जाए वो ये चुड़ैल अगर आती है तो सना को डील डील कर लेगी सना मुझे सना बताया कि पता ये हुआ था सना वैसे बाकी अगर चुड़ैल आती भी तो बोलती दफा हो जाओ आई डोंट गिव अ शिट ये वो और तो वो चली भी जाती है मैं गया इजिप्ट मैं कायरो गया तो वहाँ पर पूरी स्कूल की अम्मी का एक स्कूल था आर्ट स्कूल था स्टूडियो आर्ट के नाम से तो उसमें कोई बहुत सारे बच्चे थे तो अम्मी ने 20-25 बच्चे दिए हम चले गए व्होएवर वुड पे फॉर द ट्रिप तो 25-24 लोग ले गए हम वहाँ पर तो हम कायरो चले गए पिरामिड देखेंगे ये करेंगे वो करेंगे अब जिस दिन कैरो पहुंचे उस दिन हम पहुंचे कोई 7-8 बजे शाम में और हम सो गए 11-12 बजे सब जाके तो अब सोए तो सुबह हबड़ दबड़ में लोग उठे लेकिन भाई नहीं उठा भाई तो सोता रहा हमें उठाने की कोशिश भी की गई हम नहीं उठे कोई हम उठे 11 बजे अजीब सा आँख वाँख खोल 12 घंटे की नींद लेके तो लोगों ने बाहर में बताया कि आपको पता रात में जलजला आया है 5 मिनट जलजला आया और हमारी होटल की बिल्डिंग यूं ही हो रही थी लेकिन आप सोते रहे हाँ हम तो ग्राउंड फ्लोर पहुंच के रोड पे खड़े हुए थे और आपकी अम्मी हमसे पूछ रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है तो जो मेरा रूममेट था उसने कहा मैडम वो तो ऊपर सो रहे अम्मी ने कहा इसको कौन उठाएगा तो चलो छोड़ो फिर अब जो होता है लेकिन वो नहीं उठा सके लिफ्ट लेके ऊपर जाते क्या करते तो मैं भाई की और भी खासियत है जो मैं आप सामने बताना चाहूंगा दो ये मैंने जिंदगी में किसी के अंदर भी टैलेंट नहीं देखा क्या मैं और वो ये गए उसके लिए पीटीसी के लिए शूटिंग है तो हम झेलम ये लाहौर ये इस्लामाबाद बैक एंड फोर्थ लेकिन थके बहुत थे सही बहुत थके बहुत थके लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है उस बात की भाई नहीं मैंने तो सुना है रेगुलर बेसिस पे ये मसला अब यूं साथ जो भी साथ सोता है उससे पूछे ये इत्तेफाक से एक दिन रूम शेयर किया उसके बाद कभी नहीं किया इन्होंने कहा मैं अलग कमरा था हमें बड़ा रहम है उन पे जो रूम शेयर करते तो मैं हमने क्या पता नहीं हम किस उसमें थे मैं ढूंढ रूम शेयर कर लेते
ठीक है बहुत यार। मैंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। चार दिन बाद सोए थे, दो तीन दिन हो चुके। मैंने सुना आप चार घंटे बाद भी सोए तो यही हाल होता है आपका। लेकिन उसके लिए कोई होना चाहिए जो विटनेस करे इस चीज को। अब हम लोग सोए, सो गया, मैं पहले सो गया, ये पहले सो गए। गलती सिर्फ ये थी कि ये पहले सो गए और मेरी गलती ये थी कि मैं जाग रहा था। तब भी जाग जाते हैं, उठ जाते हैं। अब आवाजें आना शुरू हुई। सही है, पहले तो ये नॉर्मल आवाजें, तो मैंने कहा चलो ये तो गुजारे लायक है, हेडफोन लगाए हुए। मैंने कहा ये गुजारा कर लूंगा, हेडफोन लगा। अब मैं गाने सुन रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सो जाऊँ सुबह 6-7 बजे जो है ना, तो मैं उठना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। तो आवाज आती है सही। अब मैंने कहा ये दो आवाजें आ रही हैं। अच्छा, मेरा फौरन दिमाग घूम गया, वही जिन भूतों पे मैं तो काम धंधा, एक बार कोई और सो रहा है, कोई और दो लोग सो रहे हैं। अच्छा, मैंने हेडफोन उतारे, मैं देख रहा हूं तो आवाज इनकी तो मुझे पता है कि वो आ रही है, सही है, लेकिन ये वाली परेशान मैं ढूंढने में लगी ये किसकी आवाज। अब मैं जाते जाते ना कमरे के उस कोने में जाऊं, पर्दे के पीछे जाऊं, बाहर देखूं, इधर देखूं, उधर देखूं, इस दौरान एक और आवाज आ गई कमीने, सही है, एक की आवाज, सही, एक पता नहीं किसकी आवाज, और फिर इसके बीच की एक आवाज, और दोनों खराटे फंस गए आपस में, और फिर आपस में दो खराटे लड़ना शुरू हो गए कमीने। फिर जो मैंने थोड़ी सी हिम्मत की, मैं कहा देखता हूँ रूट जहाँ पे, जहाँ से पहली आवाज निकली थी वहीं पे जाता हूँ। तो जो मैंने इनके मुंह से जो पर थोड़ा सा चादर हटाई, तो मुझे अंदाजा हो गया अच्छा ये सारी आवाजें इसी शख्स के पास से, ऑर्केस्ट्रा यही है। और लिटरली आई केड यू नॉट, यही थी आवाजें। उसके अगले दिन मैंने सुबह होते ही क्या कहा था इनको, मैं तो सारे काम हो जाएंगे, कमरा अलग कर देंगे। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य था उस वक्त, उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य था, लेकिन वो वाक्य हम ऑनलाइन नहीं बता सकते, वो ऑफर बताएंगे बोला। वो खान साहब का जलसा हो रहा है ना, वरना तो यही होते, वरना तो सारे यहीं पे आते, खान साहब यहीं तो आते हैं रात को मेरे हाथ का शो सुनने। चलें, हमारे साथ लोग मौजूद हैं और लोगों को शामिल किया, बस जाने वो वेट करोगे गाड़ी सुनने के लिए, इसलिए हम चलते हैं। इन्हें तो भाई आप लोग बैठे ना, आप लोग भी सब सुनेंगे ना, आप लोग कैसे सुनेंगे वो मैं, हां वॉशरूम में सॉरी गाइस, हम लोग जरा अपने माहौल में जरा लग गए थे, अब आप लोग की तरफ आते हैं। शामिर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, शामिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शामिर, माइक ऑन कर लेगा अपना। जी वालेकुम अस्सलाम मिनाज भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल लाख लाख शुक्र, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मिनाज भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी, सुन रहा था मैं बैठ के। सॉरी जरा, हम लोग जो है ना अपनी बातों में यही होता है, जब अपनी बातों में लग जाते हैं ना तो फिर पता नहीं चलता दूसरे का। नहीं नहीं, शामिर शामिर इज एन एथिकल हैकर। Oh, how nice. That's और उन्होंने पाकिस्तान को जाके बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे रिप्रेजेंट किया है, और ये इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो ये जिसकी वजह से हीरो माने जाते हैं। Very nice. तो जी शामिल, क्या सिचुएशन है, क्या बात है भाई? मिनाज भाई, लास्ट टाइम आपको इंडोनेशिया का मैंने वाक्य सुनाया था, याद पड़ता है आपको या नहीं सुनाया? जी, था? जी जी हाँ, उसी से रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं वहाँ से कुआलालंपुर भी गया था, तो कुआलालंपुर में आपने सुना होगा जेंटिंग हाइलैंड्स के पास एक प्रॉपरली एक एक सेट ऑफ अपार्टमेंट्स है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सी वी यू के पास नहीं है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे ही वहाँ पे है, और वो बिल्कुल ही एक आइसोलेटेड सी जगह है, और इतनी आइसोलेटेड है मिनाज भी कि रात को 8 बजे के बाद वहाँ पे आपको गवर्नमेंट जाने भी नहीं देती। सही। तो जेंटिंग आइलैंड के पास वो जगह थी, तो मेरे साथ जो भाई थे नुमान भाई, उनको मैंने कहा कि आप जरा मैं मुझे दिखाएं तो सही जाके कि है कैसी जगह। तो टू थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड अबाउट दैट प्लेस के सम पार्ट्स ऑफ इट इज ओवरली एग्जैजरेटेड, जो लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोज बनाई हुई हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में मिनाज भाई वहाँ पे
वहां पे एक्चुअल में है। जैसे कि मैं आपको अपने साथ का एक वाक्य बताता हूँ, ये लोगों को शायद लगता होगा नॉर्मली के होता है, आप कहते हैं ना कि यार आप कहीं बैठे हो या कहीं खड़े हो या तो आपको लोगों की आवाजें आती हैं पीछे से बात करते हुए, और जब आप देखते हैं पीछे कोई नहीं होता। ये एक्चुअल में दिस हैज हैपेंड टू मी नॉट वंस और ट्वाइस बट अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे अपने कराची वाले घर में भी हुआ है, गुलशन वाले में, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि हम वो वॉक कर रहे थे, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आइसोलेटेड सी हो या वहाँ पे लोग ना हो, लोगों की शॉप्स हैं लेकिन कुछ सिक्लूडेड एरियाज वहाँ पे ऐसे हैं जैसे एली टाइप्स हैं, वहाँ पे आप जाते हैं तो बाकायदा आपको ऐसा लगता है कि कोने पे जो है ना एक 10-15 लोग जो है वो खड़े होकर बातें कर रहे हैं और आपस में कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन अब आप जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। तो खैर थोड़ी सी इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस जगह का ये है कि वो टोटली आइसोलेटेड है, वहाँ पे कोई लोगों की दुकानें हैं, कुछ लोग वहाँ पे रहते भी हैं क्योंकि वो बहुत सस्ती जगह रहने के लिहाज से मजदूर वगैरह और लेबर वहाँ पे रहती भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज टोटली आइसोलेटेड, कुछ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो जब हम वहाँ पे गए तो देर वर सम शॉपकीपर जिससे जिनसे उसमें मेहमान ने पूछा कि भाई यहाँ पे क्या है, कहता है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, रात को अचानक से ऐसा होता है कि बहुत सारा लोगों का एक मजमुआ जमा हो जाता है, रश जमा हो जाता है कहीं से, और वो जो है लोगों को नज़र आते हैं कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जा रहे हैं। काफ़ी दफ़ा लोगों को ये नज़र आया है कि जो है कुछ लोग जमीन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से छत पे मतलब ऐसे जैसे स्पाइडरमैन ही क्रॉल करके ऊपर जा रहा होता वैसे नज़र आ रहे, वैसे जो है लोगों को नज़र आए हैं वहाँ पे। तो दीवारों पे नजर है, हाँ दीवारों से ऊपर जा रहे हैं लोग। जेंटिंग हाइलैंड के पास है वो, जेंटिंग हाइलैंड एग्जैक्टली नहीं है वो, जेंटिंग हाइलैंड तो एक रिजॉर्ट है, उसके पास एक सेट ऑफ बिल्डिंग्स है वहाँ पे। सही। तो ये वहाँ पे मामलात हुए। तो आपको पता है एक्सप्लोरेशन का मुझे जो है इस तरह का शौक है, तो बेसिकली इट हैज बीन नोन के वो इससे पहले वो एक मॉनेस्ट्री थी किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की वहाँ पे, तो द गवर्नमेंट एक्चुअली वांटेड टू बिल्ड अ रिजॉर्ट देयर। तो समवन ये असल अच्छा ये जो आपको बातें हैं ये मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स दे आर टोल्ड टू अस बाय लोकल्स, ओरिजिनल जो उसकी स्टोरीज इंटरनेट पे आपको मिलेंगी वो शायद इससे डिफरेंट मिले, वो तो बहुत लेकिन वहाँ के हाँ बहुत सारी हैं, लेकिन लोग ये लोगों का ये कहना है कि जो मॉन्क था वहाँ पे तो उसने कर्स प्लेस कर दिया था इस जगह पे कि भाई यहाँ पे ये जगह कभी भी आबाद नहीं हो पाएगी, जितने भी यहाँ पे इलाका मकीन और बाशिंदे आएंगे यहाँ पे कोई सुकून से नहीं रह पाएगा, और उसके बाद से वो जगह आज तक आबाद नहीं हो पाई। हम इवन के उसके 18वें-19वें फ्लोर पे भी ऊपर तक भी गए, वही जो बॉयलर प्लेट इफेक्ट्स होते हैं जो आपके पुराने स्टूडियो में भी हुआ करते थे, लिफ्ट पे लिफ्ट एक सर्टन जगह पे जाके बंद हो जाना और ये सब कुछ, वो सब चीज़ें वहाँ पे हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना वो मिनाज भाई ये है कि काफ़ी वहाँ पे जगह पे दीवारों के ऊपर लोगों के उल्टे हाथों के निशान मैंने देखे बने हुए, बहुत जगह जैसे मतलब समवन इज क्रॉलिंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द सीलिंग, और वो ऐसी अजीब से निशानात थे कि मतलब कोई ह्यूमनली अगर कोई बंदा को डंडा या किसी बांस के साथ कोई हैंड प्रिंट लगा के ऊपर चिपकाए तो सिर्फ तभी वो पॉसिबल हो सकता है, तो असली इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। फिंगरप्रिंट्स अभी भी हैं ना भी, अगर अभी भी आप जाएंगे वो आपको नजर आएंगे, वो ये चीजें वहाँ पे हैं, नॉर्मल है वहाँ पे, और वहाँ के जो लोग हैं दे हैव लर्न टू मेक पीस विद दीज थिंग्स कि हाँ भाई ये चीजें यहाँ पे हैं, हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये हमारे लिए तो बहुत वियर्ड है यार, ये ऐसा कैसे है? मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ एक बड़ी मतलब मेरे लिए अलार्मिंग बात थी कि आप सोचें आप अगर आप छत पे देखें पंखा है, पंखे के ऊपर आपको उल्टा हाथ का निशान नजर आए तो आप सोचेंगे ना यार यहाँ पे कैसे पहुँचोगे, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो।
और जो दूसरी चीज थी ट्रायंगुलर साइंस बहुत बने हुए थे उधर. मैं आपको तस्वीरें भी बाद में ईमेल करूंगा, आप देख लीजिएगा मेरे पास कुछ. आप मुझे करें ईमेल तस्वीर. हाँ जी, ट्रायंगुलर साइंस बहुत बने हुए थे वहाँ पे. तो वो सकते वहाँ का कोई रिचुअल हो, कोई वहाँ के साइंस हो, लोकल साइंस. जैसे हमारे यहाँ दीवारों पे लिखा हुआ होता है ना, यहाँ पे डैश करना मना है, तो वहाँ पे वो ट्रायंगल जो उनके वो निशान हो. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो आप पीती है वो उसमें जो दो दो मेन और प्रॉब्लमेटिक चीजें जो मुझे नजर आई वो एक तो पहले में जो हो चुका है वो यही, और दूसरा ये कि आप एक एली के एक कोने पे खड़े हैं और आपको सामने सुनाई दे रहा है दूर से कि यार 10-15 लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और जब आप दूसरे कोने पे जाते हैं तो वहां पे कोई नहीं होता. मतलब लिटरली कोई नहीं होता. आपको दूर से आवाज आ रही है यार लोग बातें कर रहे हैं किसी अजीब सी जबान में, कोई भी है उसमें लोग आपस में कॉन्वर्सेशन पूरी कर रहे हैं, पर जब आप चल के दूसरे कोने पे जाते हैं तो वहाँ पर कोई एक बंदा भी नहीं होता. तो जब आसपास से पूछा गया वो कहते हैं यार ये चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल है, और हम भी यहाँ पे 8 बजे के बाद जो लोग हैं वो अपने घरों के दरवाजे बंद कर देते हैं, और जो दुकान चौकान वाले हैं वो भी अपने घरों को चले जाते हैं. ये चीज़ है, और क्योंकि वो बिल्कुल विल्डरनेस में बनी हुई है ना, मतलब इट इज टोटली विल्डरनेस. जेंटिंग आइलैंड के पास है, आई जस्ट लेट मी हैव अ लुक, मैं आपको नाम उसका एग्जैक्टली बताता हूँ. आप मलेशिया हॉन्टेड अपार्टमेंट्स का आप नाम वो करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा उसका एग्जैक्टली नाम. थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए मुझे भी नज़र नहीं है, मुझे भी नहीं पता चला उसका. लेकिन ये है कि दिस इज ऑल रियल, दिस इज ऑल यू नो वेरी वेरी रियल. और हम मजाक में तो इन चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन जो लोग इनसे अफेक्टेड हैं ना वो वाकई में वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं इन चीज़ों से. तो आई मीन द थिंग इज़ के बेसिकली हाँ, द हॉन्टेड माउंटेन होटल इन मलेशिया, ये आप चेक करेंगे यूट्यूब पे, इसकी एक वीडियो भी है. इसको बेसिकली एम्बर कोर्ट का होटल बंद कर दिया गया था बीच में. हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल यही है. लेकिन अभी अपार्टमेंट के तौर पे लोग यूज करते हैं, लेबर वगैरह करते हैं. उसकी रेड कलर की रेड पेंट हुआ है, दो टावर्स हैं बड़े से. हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है. अच्छा तो अच्छा, पाकिस्तानी बहुत रहते हैं. हाँ, क्योंकि लेबर जो है ना उनको सस्ता पड़ता है ना बहुत. कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और माशाल्लाह से हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जो इलीगल वीजा पे भी वहाँ पे गए हुए होते हैं, तो वहाँ पे 8 बजे के बाद पुलिस वाले भी नहीं आते, तो इस वजह से. लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टोरी जो मैं आपको अपनी इंडोनेशिया की बता रहा था, वहाँ पे जो मैंने बड़ा एक डिफरेंट किस्म का लोगों का रिचुअल देखा वो ये होता है कि देर इज़ एन ऑफरिंग that they place in front of their doors. वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा. वो पत्तों के अंदर फूल और कुछ फ्रूट्स जो है ना अपने दरवाज़ों के बिल्कुल स्टार्ट में रख देते हैं. ये डनपान सार एक जगह है, ये जकार्ता के पास है. पूरे मलेशिया में बेसिकली होता है, हिंदुज़म का रिचुअल है. क्योंकि वहाँ पे लोग ये मानते हैं कि पहले यहाँ पे इंसान नहीं थे तो भूत रहते थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हमने यहाँ पे बसेरा कर लिया है, तो अब हमें चाहिए कि हम उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करें. और उसकी उनको रिस्पेक्ट करने का तरीका यह है कि वी शुड गिव देम ऑफरिंग. वो ऑफरिंग्स ये यही इन्हीं चीज़ों के बेस पे होती हैं. तो वो क्या कहते हैं, वो दरवाज़ों के ऊपर रख देते हैं कि भाई दिस इज़ एन ऑफरिंग, कि भाई हम यहाँ पे रह रहे हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप हमें डिस्टर्ब ना करें. और इस तरह से वो दोनों बोथ ऑफ दीज वर्ल्ड्स एक्चुअली स्टे अपार्ट. और ये आपको हर जगह मिलेगा मलेशिया के अंदर, हर जगह ये ज़मीनों पर आप देखेंगे आपको पत्तों के अंदर फूल पौधे और फल पड़े हुए मिलेंगे एज ऑफरिंग्स दैट दे गिव आउट टू दीज गोस्ट्स. वहाँ पे हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का उनका प्ले था वो भी देखा, जिसमें वो बता रहे थे कि मतलब एक सुपर हीरो था बाली का, जो जिसने सारे गोस्ट्स को और सारे ईवल्स को यहाँ से निकाला ताकि यहाँ पे जो है लोग आके रह सकें एंड ऑल ऑफ दैट. वो भी एक काफ़ी मतलब आधे घंटा लंबा प्ले था. खैर, द बॉटम लाइन इज़ हर कल्चर में, हर रिलीजन में जो अब तक मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं. वहाँ पे जो मतलब हमारे हिंदू काउंटर पार्ट्स हैं वो
हनुमान जी जो उनके हैं उनका एक सॉर्ट ऑफ चैंट है, वर्स है जो वो बार बार कहते हैं, जैसे हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं ना इन चीजों से दूर भागने के लिए, वैसे वो हनुमान जी का उनका एक वर्स है जो प्रे करते हैं, जिस जो वो ये बिलीव करते हैं कि इससे जो है ना कोई किसी तरह का ईवल उनकी तरफ नहीं आएगा, और हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। इस तरह बुद्धिज्म में कुछ इनकैंटेशंस हैं जो की जाती हैं, लेकिन ये कुछ से मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं अभी इंशाल्लाह मैं जापान जाऊंगा तो वहां से भी फिर मैं आपको इचिकावा से जापान जाएंगे, जापान की मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा वो ईमेल पे, तो आप फिर उसको जरा जाके रिसर्च करेगा, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। मैं आप बताऊंगा बिल्कुल, आप मुझे बताएगा मनाज भी, आपने नेक्स्ट आपने प्रॉमिस मुझे किया है कि आप जब लाहौर आएंगे तो आप मुझसे मिलेंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे, जल्दी आएंगे। थैंक यू मनाज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जो ये कॉलर आया था ना, ये एथिकल हैकर है, और ये मतलब नेशनल एथिकल हैकर अब एक नया फर्म बन गई है कि वो अब जाके जो हैकर्स को हैक करके और सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करते हैं गवर्नमेंट लेवल, तो ये शामिर इज वन ऑफ देम। अच्छा, मुझे हमें नहीं मालूम था, हमारे जमाने में होता था कि एथिकल हैकर्स तो नहीं पता उनका नाम है, लेकिन उनको एजेंसीज हायर करती थी कि आप हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करें, जो हमें हैक करना चाह रहे हैं उनको ब्लॉक करें, या फिर उनके सिस्टम में घुस के उनको वार्न करें, तो इस तरह के लोग होते थे। अभी एथिकल एक प्रोफेशनल बन गया होगा भाई सना, वो लोग पूछ रहे हैं, किसी ने मेरा एक दिन का मैसेज देखा था, क्या पूछ रहे हैं, उन्होंने क्या आप दोनों से एक्चुअली सवाल था सर और मैडम, आप सबको छोड़े इंडिया का बाहर है, एक हिंदी मैसेज देखा था मैंने, एक हिंदी लिखी थी, उसको ट्रांसलेट क्यों नहीं किया, और ट्रांसलेट करके भेजा, हमें हिंदी पढ़नी नहीं आती, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, लेकिन वो तुम बाद में देखना, लेकिन वो हिंदी में पढ़नी नहीं आती, क्या लिखा पता नहीं, लेकिन इंडिया का बारे, इंडिया का वीजा खुलेगा तो आएंगे यार, इंडिया का वीजा खुलेगा तो जरूर जाएंगे हम लोग, वैसे बहुत ट्रैवल करते हैं साथ, मजा बड़ा आता है। अभी फातिमा जी कह रही थी कि यार सना चाची को और मेरा चाची से बोले चलेंगे इस गो समय, मैं तो यही बोल रही हूं, उसका ओ लेवल्स खत्म हो जाए, लेट्स जस्ट फिनिश, लेट्स गेट ओवर द ओ लेवल्स, देन मजा आएगा, फॉर श्योर, पहाड़ों में चलते हैं, पहाड़ों में जून जुलाई, जुलाई से गुड टाइम, जुलाई लेट्स वेट फॉर, सब भी चले जाएंगे, अब पेट्रोल तो महंगा हो गया, वरना बाय रोड जाते थे, बाय रोड नहीं, बट बाय रोड इज अ लॉट ऑफ फन, इट्स मोर फन, इट्स अ लॉट ऑफ फन, आई थिंक मुझे ट्रेन से, ट्रेन से नहीं, ये बोलने वाला, ये बोलने वाला, ट्रेन से नफरत है मुझे, ओके तो नहीं जाए, ट्रेन से गाड़ी बेहतर है भाई, गाड़ी में चले जाएंगे, गाड़ी में बहुत मजा, चलो पेट्रोल हम बांट लेंगे सर, हां हां सही, डन डन डन, ये सना दे देगी यार, सबसे अमीर तो हम में से यही है, सबसे अमीर है, बात करते हैं, सना लुकिंग एट मी लाइक यस, आई डोंट नो, I think we should go next year. अच्छा सुने, वो आपका नया शो आ रहा है भाई, मैं और मानी जी दोबारा शो स्टार्ट कर रहे हैं, really? एक ये भी, ये भी, ये भी न्यूज़ है, ये भी न्यूज़ है, और हाँ हम करेंगे, मैंने कहा वो मैं असल में वो करेंगे क्या पता नहीं, अब हम कैसा कैसा करेंगे, अच्छा, करेंगे, नहीं करेंगे, जान तो मारेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पता नहीं अब ऑडियंस जो है वो क्या है। अच्छा उसके अलावा ये है कि एक हमने नया शो बनाया है, बहुत दिनों बाद यार टीवी टीवी चैनल ने बुलाया, और ऑब्वियसली टीवी चैनल पे जो भी चीज चलता है वो सोशल मीडिया पर अल्टीमेटली आ जाता है, लेकिन कोई एक इट्स अ न्यू टीवी चैनल, इट इज इट्स अ इट्स जस्ट अ कॉमेडी टीवी चैनल, लेकिन हर चैनल बन रहा है जिसमें सिर्फ कॉमेडी हो, हां और नाइस, सो वी थिंकिंग कि फाइनली कोई, तो आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं, एंड सम अदर गुड टीम बिहाइंड इट, तो मैं कहता देख करते हैं, मायने का करते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नाशपाती जो ऑन टू नहीं, आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड आई डोंट नो, इट्स कॉल्ड आई डोंट नो, एक नया शो बनाया हमने आई डोंट नो के नाम से, उसमें अभी तो फिलहाल गालियां पड़ रही हैं, अभी तो वो सीजन चल रहा है कि गालियों वाला, बिकॉज वो अल्टीमेटली कोई भी आप चीज नहीं बनाते तो उससे पहले लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, हाँ फिर उस बाद बात आहिस्ता, लेकिन वो स्टार्टिंग में हुआ था, फिर उसके बाद वो सबूर का वो काली साहब है आपके, वो हिट हुआ तो फिर मतीरा, फिर जो जंगल से शेर निकला, जंगल से नहीं किसी के सीने से शेर निकला, और उसके बाद बहुत सारा हिट हुआ कि क्या, तो वो इस तरह होता है, तो ये अभी हमने 10 एपिसोड बनाए हैं, और उसमें भी मतीरा है और मानी भी है उसमें, और सारे मुस्तफा चौधरी, शी इज अ ग्रेट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, आल्सो अच्छी इंसान है वो, मुझे भी कल मिली, अच्छा यहाँ ही रहती है ना, नहीं रहती है, लेकिन मैं अपने जिंजर को लेंगे हॉस्पिटल, वहाँ प्राइवेट, उसका बिल्ला पैरालाइज हुआ हुआ है, पैरालाइज है, न्यूरो न्यूरो मसला है वो, मैं बिल्ले का आपको बताऊं क्या हालत था, बस उसका मुंह खुला हुआ था और वो हल्का सा नहीं,
बेचारा वो, अब आपका कोई पेट हो, वैसे तो लोग बोलते हैं कि यार ये अमीरों के मसले हैं कि बिल्लो बिल्लियों के, नहीं यार कोई भी जानदार चीज है उसके अगर वो तकलीफ में है तो आपको तकलीफ तो होती है। अरे हमारे मोहल्ले का काला कुत्ता है, वो एक दिन मुझे नजर आया, वो लंगड़ा रहा था, अगले दिन वो मुझे नजर नहीं आया, मैं परेशान है, मुझे पता ही नहीं कहाँ गया। दो दिन बाद वो सही भागता हुआ नजर आया, मैंने कहा फिर टेम्पो तुम्हारा। अब यार देखो ना, ये तो काम ही कर रहा था दो दिन, अच्छा काम ही कर रहा था और क्या, लग रहा है काम ही कर रहा था भाई, दो दिन में ठीक हो गया होगा ना, ऐसी कौन सी छोटे दो दिन में सही होगी, ये तो नहीं बीमारी होगी, आज मैं बीमार हूं कल मैं बिल्कुल सही, और मैं इतनी परेशान हूं इसके लिए, मैं लिटरली परेशान हूं, मैंने सुबह उसको ढूंढा कि वो कहां गया, मर तो नहीं गया, इसमें तो खाना खाते हैं अब्बा है ना, उन सबके कुत्तों के अब्बा है वो। आ गया आसमानी शो इज बैक, सारे गेस्ट ऐसे ही बुला रहा हूँ, बैठे में कैमरा घूमा तो मुस्तफा चौधरी बैठे में, या आप बैठे में बिल्कुल ऐसे, मुस्तफा चौधरी इज अ स्वीटहार्ट, मुस्तफा चौधरी इज अ स्वीटहार्ट एंड हिज ह्यूमर इज नेक्स्ट लेवल, वो कहां से सोचता है, क्या जोक क्या जोक लाता है, और क्या जोक लाता है। एनीवे आगे चलते हैं, थैंक यू एवरीवन, आज हम स्ट्रीम सैरी तो कर ले, हां सैरी तो कर, क्योंकि हम अब सैरी के लिए निकलेंगे ना इंशाल्लाह, तो हम बाद में मिलेंगे, हाफिज़, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू असद भाई, आपने सरप्राइज दिया, हां मैं जानबूझ के बगैर बताया आ गया, हां मैंने आपके लिए, मेरा एक प्लान था, मैं आपको इनवाइट करता स्पेशली और हम बैठते और फिर जरा सीरियस वाली कन्वर्सेशन वो भी कर लेंगे, वो भी होगी इंशाल्लाह, और सना आपको भी शुक्रिया, थैंक यू, मुझसे तो मुश्किल है सीरियस कन्वर्सेशन देंगे, मैं कोशिश करें, कोशिश करेंगे हम, होएगा कमीने, थैंक यू एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी रही तो कल दोबारा मुलाकात होगी, बाय बाय, थैंक यू फॉर एवरीवन, एंड दिस इज नूर, आपका शुक्रिया, नूर कहती है दिस वन इज फॉर सना भाभी, डोंट टीज हर भाई, डबल ए कहते हैं लव यू असो भाई, पर मिनाज इज ऑल टाइम लव, तू लड़ाइयां करा दे बस हमारी, हैं हारिस खान ने वो हमारी मेंबरशिप हासिल की, वो कहते हैं सलाम मिनाज सना एंड असवर, ट्यूनिंग इन आफ्टर अ व्हाइल एंड इट्स ग्रेट टू सी न्यू बट फैमिलियर फेसेस ऑन द स्ट्रीम, थैंक यू, ये अलग सिस्टम चल रहा है, ये मेरी मिनाज नंबर दे दे, हां ये भी मैं दे रहा हूं नंबर, आपको नंबर दे रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा, अगर मैं अब जिंदा रहा तो कल मुलाकात होगी आप लोगों से, खुदा हाफिज़।